उदयपुर की एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने नगर निगम के जयन को 2000 रुपए की नकद राशि रिश्वत के रूप में लेते हुए गिरफ्तार किया। जी हां, शुक्रवार को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने नगर निगम में कार्यरत जयन शिवम भट्ट को 2000 रुपए नकद रिश्वत राशि के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल यह रिश्वत उसने प्रार्थी लोकेश रेगर से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टा देने और मौका रिपोर्ट सही बनाने और ऑब्जेक्शन नहीं करने के एवज में 3000 रुपए की मांग की थी, जिसके चलते उसने पहले 1000 रुपए उससे ले भी लिए थे, लेकिन लोकेश ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो को कर दी। जिसके बाद शिकायत के सत्यापन करने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को जयन को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। परिवादी लोकेश ने रेगर ने आज रिपोर्ट दी थी कि उसका देवाली में मकान है पिताजी गोपीलाल रेगर के नाम से, जो प्रशासन शहरों के संग अभियान में पट्टे की फाइल तैयार की गई थी, तो उसके पट्टे की जो मौका रिपोर्ट बनाने और किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करने, आज सुबह भी एक जयन है यहाँ नगर निगम में शिवम भट्ट जो मौके पर गया, 1000 रुपये उस टाइम ले लिए और दोबारा उसको कहा कि अभी 2000 रुपये लाओ, किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं करने और मौका रिपोर्ट सही बनाने की एवज में 2000 रुपये रिश्वत की मांग की गई, तो तुरंत ही सत्यापन कराया गया और सत्यापन से रिश्वत की मांगने की पुष्टि हुई, जिस पर नगर निगम परिसर में ही 2000 रुपये लेते हुए शिवम भट्ट जयन ने उसको ट्रैप किया गया। अग्रिम ट्रैप कार्रवाई जारी है।